बिहार बोर्ड क्लास 12th स्क्रूटनी आवेदन को लेकर के इंतजार करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि स्क्रूटनी कराने से मार्क बढ़ता है या घटता है। और आप लोग जानना चाह रहे थे कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों में कौन बेहतर है, तो इन तमाम बातों की जानकारी मिलेगी यहाँ पर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित सभी न्यूज़ आपको सो समय मिलता रहे। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्क्रूटनी कराने के लिए कितना रुपया आवेदन फी लगता है। तो देखिए, स्क्रूटनी कराने के लिए 70 रुपया आवेदन फी लगते हैं। उसके बाद आप लोग जानना चाह रहे थे कि स्क्रूटनी कराने से जो है कि मार्क घट भी सकता है। तो देखिए, स्क्रूटनी कराने से मार्क अभी तक हमने जो है कि घटते हुए नहीं देखा है, तो 4-5 मार्क बढ़ेंगे ही। इसलिए स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन करते हैं तो 3 से 4 मार्क फाइनली बढ़ेंगे। अब मार्क घटता नहीं है, हमने देखा भी नहीं है और घटता भी नहीं है, लेकिन बोर्ड जो दिशा निर्देश जारी करता है उसमें लिख देता है कि मार्क घट भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्क आपका नहीं घटेगा, 100% नहीं घटेगा, मार्क बढ़ेगा ही। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि स्क्रूटनी बेहतर होता है, स्क्रूटनी जिसको हम चैलेंज बोलते हैं, या कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम, दोनों साथ भर सकते हैं। तो देखिए, दोनों भर सकते हैं क्योंकि एक ही समय में स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल के लिए भी आवेदन लिए जाते हैं। अगर आप मान के चलिए कि स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए आवेदन करते हैं और स्क्रूटनी और चैलेंज में आपका मार्क नहीं बढ़ता है, तब क्या करेंगे? कंपार्टमेंटल का फॉर्म का भी डेट सेम ही रहता है, तो कंपार्टमेंटल का भी एग्ज़ाम तो छूट जाएगा। इसलिए दोनों फॉर्म साथ ही भरिए। और देखिए, अगर आपको स्क्रूटनी से मार्क बढ़ गया, आप पास हो गए, तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग नहीं लीजिए। अगर मार्क नहीं बढ़ा, क्योंकि स्क्रूटनी चैलेंज का मार्क जो है, जैसे ही आप आवेदन किए तो कॉपी जांच शुरू होती है और मार्क अपलोडिंग शुरू हो जाता है, मार्क चढ़ाना शुरू हो जाता है, तो इसलिए स्क्रूटनी या चैलेंज का जो है रिजल्ट प्रत्येक दिन शाम में चेक करेंगे तो जो छात्र का जिसका कॉपी चेक हो जाता है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए दोनों फॉर्म भरिए। अगर कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम ही देना है तो स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए ऑनलाइन मत कीजिए। मेरे हिसाब से तो दोनों फॉर्म भरिए। मान के चलिए कि स्क्रूटनी या चैलेंज में बेहतर रिजल्ट आ गया तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर बेहतर नहीं आया तो आप कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम में भाग लीजिए, दीजिए, ताकि उनसे आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। अब हम न्यूज़ को जान लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रूटनी के लिए 9 से 18 अप्रैल तक आवेदन। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो फेल हो गए हैं या उन्हें लगता है कि कम नंबर आए हैं, तो वे स्क्रूटनी के लिए 9 से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी कार्यवाही जल्दी पूरी कर दी जाएगी। उन्हें 70 रुपये प्रति विशेष शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि। अब देखिए, स्क्रूटनी या चैलेंज करने से किन किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। तो मान के चलिए कि कोई विद्यार्थी 5 मार्क या 6 मार्क से छूट गए हैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए, वे आवेदन स्क्रूटनी या चैलेंज करेंगे तो वे फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं। जो सेकेंड डिवीज़न के लिए छूट गए हैं तो वे सेकेंड डिवीज़न हो सकते हैं। आवेदन करेंगे वहाँ पर आपका देखा जाएगा कि 3 या 4 मार्क से कम है तो निश्चित रूप से आपका मार्क बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए चैलेंज आवेदन कर ही दे जो अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आवेदन की तिथि दी गई है 9 से 18 अप्रैल। मेरे हिसाब से ये पिछले वर्ष का लग रहा है, पेपर का कटिंग है, क्योंकि इस पेपर के कटिंग को लेकर के भी बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो इसलिए अभी तक जो है कि किसी भी न्यूज में नहीं दिया है, लेकिन 9 से 18 अप्रैल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पिछले वर्ष का जो है न्यूज है, क्योंकि पिछले वर्ष भी 9 से 18 अप्रैल तक लिया गया था। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ये ना पूछे कि 9 से 18 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। और बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आवेदन कब से लिया जाएगा, तो आप लोग जान लीजिए कि 16 अप्रैल के बाद से ही स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक आवेदन नहीं लिया जा सकता है। अगर मान के चलिए कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया तो 16 अप्रैल के बाद से भी नहीं लिए जाएंगे। तो देखिए, जब तक पूरी तरह से घोषणा नहीं हो जाती
लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी फाइनल तिथि कहीं पर भी नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। जैसे ही स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाएंगे आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।